फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और वेलकम है आपका मेरे चैनल दिव्यास किचन में। हम बनाने जा रहे हैं शेजवान चटनी। चटनी आप चाइनीज, इंडो चाइनीज किसी भी रेसिपी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, 3 महीने के लिए आप आराम से इसको फ्रिज में स्टोर करके रखें और जब भी आपका मन करे निकालें और खाएं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे मिर्च ली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो आप चाहे तो नॉर्मल लाल मिर्च भी ले सकते हैं, जो साबुत लाल मिर्च आती है, बस उसके बीज निकाल के लें, नहीं तो वो स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये कम स्पाइसी होती है, कलर ज़्यादा होता है। तो ये मैंने करीब 15 से 20 लाल मिर्च ली है। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है, अच्छा उबलता हुआ पानी है ये, और इसको मैं भिगो दूँगी करीब 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट तक ये थोड़ी सी फूल जाएगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। तब तक के लिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है, लहसुन है, ये लहसुन की करीबन 15-20 कलियाँ हैं। इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। मैंने इसको यहाँ पे ग्राइंड किया है हल्का सा, आप चाहें तो इसको चॉप कर सकते हैं और नहीं तो हाथ से भी काट सकते हैं। तो अभी 20 मिनट हो गए हैं और मेरी मिर्ची आप देख रहे हो ये अच्छे से भीग गई है, फूल गई है। तो अभी हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। और अभी मैं इसको पीस लूँगी, हल्का ही पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना है। थोड़ा सा ऐसे बीज दिखने चाहिए इसके और ऐसे मिर्ची दिखनी चाहिए। तो ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसको ऐसा ही रखना है हमें, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। तो ये भी पेस्ट हमारा रेडी है। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक पैन में लिया है ऑयल, ये ऑयल करीब 1/4 कप ऑयल है। इसमें इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि हम इसको स्टोर करके भी रखेंगे। इसमें मैंने अपना डाला है गार्लिक जो मैंने पीस के रखा था। इसको भूनना है। इसमें डाला है मैंने अदरक। अदरक मैंने यहाँ पे भी का सा दरदरा पीस लिया है, जैसे लहसुन पीसा है वैसा ही दरदरा अदरक पीसा हुआ है, थोड़ा मोटा ही रखा है अदरक को भी। और करीब 2 चम्मच अदरक है ये, 2 बड़ा चम्मच। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है हमको। यहाँ पे मैंने जो मिर्च का पेस्ट बनाया था अपना वो डाल दिया है। अब ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सबको, गार्लिक को और लाल मिर्च को अच्छे से हमें मिक्स करना है। यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से भूनना है अभी। और गाइस प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे मैंने डाला है साइट्रिक एसिड, इसको प्रिजर्व करने के लिए और थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए इसमें। तो मैंने 1/4 कप करीब साइट्रिक एसिड डाला है और मैंने 3 चम्मच चीनी डाली है इसमें और 1/2 चम्मच नमक डाला है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से भूनना है हमको। और अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो फिर आप इसमें विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं साइट्रिक एसिड की जगह। अभी मैं इसमें पानी डाल दिया, मैंने करीब 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करके और कम से कम 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे इसको अभी हम। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काली मिर्च 1/2 चम्मच और 1 चम्मच मैंने डाला है सोया सॉस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल वाटर में मिक्स कर लिया है। अभी हमें कॉर्नफ्लोर को एक हाथ से मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके और एक हाथ से मैं जो चटनी है उसको मिक्स करूँगी, नहीं तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर करके मुझे डालना है, थिकनेस का ध्यान रखते हुए, बस इससे ज़्यादा थिक नहीं करनी है चटनी।
अभी आप देख सकते हो उसकी कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है। तो अभी हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है बनके, और इसको अभी हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके फिर इसको जार में भरेंगे। 3 महीने तक चला सकते हैं, फ्रिज में रखें या टाइट कंटेनर में भर के। तो फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।